अब आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर बताते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर आज मंथन होगा। चुनावों में शांति बनाए रखने के लिए उच्च स्तरीय बैठक आज होगी। शाम 4:30 बजे राज्य निर्वाचन आयोग बैठक करेगा। फोर्स की तैनाती, संवेदनशील और अति संवेदनशील जिलों और बूथों के लिए इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है ये इस वक्त की बड़ी खबर। कानून व्यवस्था को लेकर आज मंथन किया जाएगा। चुनाव में शांति बनी रहे उसको देखते हुए उच्च स्तरीय बैठक आज होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन लाइव जुड़े हुए हैं। पवन, आज चुनाव में जिस तरह से शांति बनाए रखने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आज होनी है, क्या कुछ जानकारी है बैठक को लेकर, जानकारी जरा आप दें। बिल्कुल आकांक्षा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगर रूट लेवल के चुनाव की बात करें तो सबसे बड़ा चुनाव है पंचायत चुनाव, और पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर के लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, डीजीपी ने तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इसमें जो घटनाक्रम घटित होता है या किसी भी तरीके का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है वो आपसी रंजिश और खासतौर से आरक्षण सूची जारी होने के बाद तमाम जो प्रधान का या पंचायत चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो क्राइटेरिया से बाहर हो गए हैं, वो किसी दूसरे की मदद करते हैं और ग्राम स्तर का चुनाव होता है और छोटी छोटी बातों पे बड़ा विवाद हो जाता है, लिहाजा चिंता का विषय यह रहता है क्योंकि संगठित अपराध नहीं बल्कि आपसी रंजिश की वजह से बड़ी घटना होती है और पूरे के पूरे गांव में कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है या अलग अलग स्थानों पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफी खराब हो जाती है। उसको लेकर के चुनाव आयोग ने 4:30 बजे एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में किस तरीके से चुनाव कराए जाने को लेकर के सुरक्षा होनी चाहिए, क्या पैरामिलिट्री फोर्स या बाहर से कोई फोर्स मंगाने की जरूरत है या उत्तर प्रदेश जो पुलिस है वो जो उसकी फोर्स है वो तमाम तरीके से चुनाव कराने में सक्षम है, सरकार से किस तरीके की मदद के लिए चुनाव आयोग अपील करेगा, ये तमाम बातों को लेकर के आज बैठक है। और बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज्यादा अगर लॉ एंड ऑर्डर की खराब सिचुएशन ग्रामीण स्तर पर होती है तो पंचायत चुनाव में होती है, उसमें रंजिश सबसे ज्यादा निकल करके आता है। लिहाजा आज आयोग ये तय करेगा कि आने वाले चुनाव में यानी नोटिफिकेशन जारी होने से पहले फुल प्रूफ प्लानिंग उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की हो, सुरक्षा ढिलाई ना हो पाए, किसी तरीके से कोई चूक ना हो जाए, उसकी व्यवस्था कैसे की जाए उसको लेकर के बैठक है और काफी महत्वपूर्ण बैठक है। आकांक्षा, शुक्रिया आपका पवन तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में आज से आरक्षण को लेकर दर्ज आपत्तियों के निपटारे का कार्य शुरू होगा। ग्राम प्रधान पद के आरक्षण पर सबसे ज्यादा आपत्तियां हैं। आरक्षण को लेकर आज जिलों में आपत्तियां इकट्ठी की जाएगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति आपत्तियों का निपटारा करेगी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में मुख्य विकास अधिकारी, अपर मुख्य विकास अधिकारी जिला पंचायत और जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य हैं। आपत्तियों के निपटारे के बाद 13 और 14 मार्च को जिलों और ब्लॉक में सूचियां जारी की जाएगी।